फिफ्थ क्लास। आज हम करेंगे बेटा 6.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है चेंज द लाइक फ्रैक्शन। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, जैसे 2/3 एंड 3/5। इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शंस की क्या एक खास फीचर होता है कि इनका जो डेनोमिनेटर होता है, ये जो नीचे होता है, ये सेम होता है, लेकिन इसमें तो सेम नहीं है। अब हमें इसे सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। फोर्थ क्लास में आपने एलसीएम निकाला था, ठीक है। यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम 2 एंड 3 का। अब देखिए यहाँ दोनों नंबर अलग अलग हैं, सॉरी सॉरी, 3 एंड 5, ठीक है। अब ना तो 3 और 5 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 3 को 3 की टेबल से काट देंगे, 3 बन जा 3, और 5 का 5 नीचे, ऐसे का ऐसा ही हम नीचे ले आएंगे। अब ये देखिए 1 तो 1 के टेबल में चला जाएगा, लेकिन 5 5 के टेबल में ही जाएगा, है ना। तो 5 बन जा 5, दोनों नंबर्स अपने अपने टेबल पर डिवाइड हुए हैं, तो हमने इसका एलसीएम निकाला है। ये एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये जिन जिन से ये डिवाइड हुए हैं बाहर, अंदर वाले नंबर, उन उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या आया, 15, राइट, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि ये हमने 15 यहाँ पर नीचे रखना है, और यहाँ एक लाइन लगाएंगे। अब ये जो 2/3 है, यानी इस 3 से हम इस 15 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। 3 की टेबल में 15 5 जा पर आता है, तो उसी 5 जा से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, राइट, यहाँ आ गया 10। इसके बाद ऐसे ही सेम नेक्स्ट नंबर के साथ करेंगे, जो डेनोमिनेटर है उसकी डेनोमिनेटर से डिवीजन करेंगे। 5 3 जा 15, 3 जा पे चला गया, फिर जो 3 आया उस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और बीच में क्या लगाएंगे, कोमा, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 न्यूमरेटर आ गए और 1 डेनोमिनेटर आ गया। डेनोमिनेटर 1 है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। अब 10/15 इन फ्रैक्शंस का क्या बन गया, 2/3 का बन गया 10/15 एंड 9/15, ये बन गया, ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो गई। नेक्स्ट है बी। अब हम क्या करेंगे, ये एलसीएम जो है ना, रफ साइड में निकाल लेंगे, ठीक है ना, लाइन लगा के। मैं आपको बी क्वेश्चन करके बता रही हूँ, 3/4 एंड 5/7 यहाँ पर 3/4 एंड 5/7 है, हमने इसका एलसीएम ले लिया 4 एंड 7 का। 4 को हमने 4 बन जा 4 काट दिया, और 7 को हमने 7 बन जा 7 काट दिया, तो हमारे पास यहाँ 2 फैक्टर्स आ गए, 4 एंड 7। वैसे हम इसका फैक्टर्स और भी ज़्यादा निकाल सकते थे, जो मेथड बनता है, हम पहले इसको 2 से करते और फिर यहाँ 7 आता, फिर हम इसको 2 से करते और फिर यहाँ 1 आता, और ये 7 का 7 आता, और फिर 7 को फिर हम 7 से काटते, तो हमारे पास फैक्टर्स 2 × 2 × 7 आता, तो भी हमारे पास एलसीएम 28 ही आना था, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट मेथड ले लिया, वैसे हमें फैक्टर्स हमेशा इसी तरह से निकालने चाहिए।
चलिए, तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया 28। फिर हमने क्या किया, 4 से इसे डिवाइड किया, 4 7 जा 28 है ना, 7 आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 7 3 जा 21, और फिर कोमा लगाएंगे या एंड भी लिख सकते हैं आप और या कोमा भी लगा सकते हो। फिर 7 को 28 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गई। यहाँ पे हम लाइक फ्रैक्शंस लिखेंगे और आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास 21/28 एंड 20/28। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये अब हम कर रहे हैं ई क्वेश्चन। मैंने सी और डी छोड़ दिया है, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। 4/15 एंड 5/12। हमें यहाँ डेनोमिनेटर्स हमारे पास 15 है और 12 है, इनका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया इसको, 15 नहीं जाता है 2 की टेबल में, इसको हमने एज इट इज नीचे ले लिया। फिर 12 2 की टेबल पर 6 जा पर चला जाता है, हमने 6 लिख दिया 2 के टेबल में। फिर हमने देखा कि 15 नहीं जा रहा, 15 को एज इट इज लिख दिया और 6 कट रहा है, तो हमने 2 3 जा 6 करके 3 जा यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं 15 और 3 बच गया, 3 से हमने 3 नेक्स्ट नंबर हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, एटलीस्ट एक नंबर तो कटना ही चाहिए, है ना। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारे पास 5 बच गया है यहाँ पे अंदर, और ये 5 के ही नंबर पर कट सकता है, 5 1 जा 5। और इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 3 5। यहाँ हमने 2 2 3 5 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया एलसीएम 60। तो एलसीएम 60 आने से अब क्या करेंगे हम, इसको नीचे जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसका 15 से हमने 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 4 जा 6 सॉरी 15 1 जा 15, 15 3 जा 30, 15 जा 45, 14 15 4 जा 60, 4 जा पर चला गया। फिर उसी 4 जा को इस 4 जा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे 60 तक, 5 जा 12, 5 जा 60, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25। और फिर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस क्या आ जाएंगे, 16/60 एंड 25/60। तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख देंगे लाइक फ्रैक्शंस। क्या क्या आई थी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, 16/60 एंड 25/60। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और आई थिंक बाकी का सब आप अपने आप कर लेंगे। एक एफ क्वेश्चन है वो भी आप खुद कर लेंगे, और मैंने आपको सी एंड डी भी बोला है ना, सी डी एंड एफ डू योर सेल्फ। ओके, यस, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और नॉट। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ये रखा है, यहाँ पर 5/6 एंड 5/12, ये बताना है कि 5/6 और 5/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि डेनोमिनेटर सेम हो, है ना, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इनका प्रोडक्ट आउट फाइंड आउट करना है पहले। और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगाएंगे। जैसे 5/60 और 5/12 है, तो क्या किया हमने, 12 से 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 12 5 जा 60 आ गया, और यहाँ 6 का 10 से मल्टीप्लाई 6 का 5 से मल्टीप्लाई किया। एक नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे नंबर का डेनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब दोनों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स आएंगे।
ये देखिए 12 5 जा 60 आया और 6 5 जा 30 आया। तो यहाँ पर दो, एक का प्रोडक्ट 60 है और एक का प्रोडक्ट 30 है, मतलब कि प्रोडक्ट सेम नहीं है। और जब प्रोडक्ट सेम नहीं है तो फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स भी सेम आएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था एलसीएम निकाल कर, देखिए यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई थी, है ना। ये देखिए 16 बाय, अच्छा ये तो हमने लाइक फ्रैक्शंस बनाई थी, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं बनाई थी, लाइक फ्रैक्शंस की थी हमने। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का है कि जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट सेम आए दोनों में, वो इक्विवेलेंट होता है। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है, राइट। चलिए ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम सो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 30 बाय 15 एंड 2 बाय 5। इसमें है 30 बाय 15 करके हमने ऐसे 2 बाय 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 5 का 30 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया, 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया। प्रोडक्ट इज नॉट सेम, सो एज द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम, इक्वल सेम भी लिख सकते हैं और इक्वल भी लिख सकते हैं, सो द 30 बाय 15 एंड 2 बाय 3 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके बाद हमने किया है ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन में है 6 बाय 10 एंड 4 बाय 5। इसमें भी ऐसे ही हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर्स गलत लिखे गए थे, 90 बाय 108 है और 15 बाय 18 है। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से हमने 90 को 18 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर 1620 आया, और इधर 108 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई करने पर 1620 आया। अब देख रहे हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है, और जब प्रोडक्ट सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। एज प्रोडक्ट्स आर सेम सो द 90 बाय 100 एंड 15 बाय 18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके बाद हमने एफ क्वेश्चन किया 124 बाय 96 एंड 16 बाय 12। इनको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से किया है, 124 को 12 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद प्रोडक्ट आया 1488, और 16 का और 96 का मल्टीप्लाई करने पे आया 1536। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम, सो द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, एज द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल सो द 124 बाय 96 एंड 16 बाय 12 आर नॉट सेम फ्रैक्शंस। और आपको अपने आप कौन कौन से क्वेश्चंस करने, ए कर लिया हमने, बी कर लिया, सी आपको करना है, सी डी ई कर दिया हमने और एफ भी कर दिया। आपको इसमें दो क्वेश्चंस डू योर सेल्फ करने हैं, अपने आप करेंगे। समझ में आ गया है, बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। इन चीज़ों को देख ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगाने के निकालने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना है और लाइक फ्रैक्शंस के लिए कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कंपेयर करना है। जैसे आप ये ऐसे करते थे, ये बताओ कि भाई ये 5 और 9 में से बड़ा कौन सा है, ये वाले साइन लगाने का लगाते थे ना, ग्रेटर स्मॉलर के साइन, तो ये वाले साइन लगाने इसमें हम लगाते थे भाई 9 बड़ा है तो हम ऐसे साइन लगाते हैं। और इसमें भी हमें ये फ्रैक्शंस में हमें देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इसको पता लगाने के लिए हम बिल्कुल सिंपल मेथड से नहीं देख सकते ऐसे जैसे इसमें देख लेते थे, इसके लिए हमें एक मेथड लगाना पड़ता है, और वो मेथड मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ और फिर हम इसे करेंगे। ये है ए क्वेश्चन 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5। इसमें हमें इक्विवेलेंट ये कंपेयर फ्रैक्शन निकालने की, कंपेयर करो कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। इसके लिए हमें क्या करना है,
जैसे 2 by 3 है, तो हमें नेक्स्ट नंबर का डेनोमिनेटर से हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 4 by 5 के इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये लाइक फ्रैक्शन बनेंगी। और लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। लाइक फ्रैक्शन का मेथड आपको पता है कौन सा है ना? तो लाइक फ्रैक्शन हमने अभी निकाली थी, ये एलसीएम वाला मेथड भी था इसमें, है ना? ये थोड़ा बड़ा मेथड था, लेकिन हम इसमें ये वाले मेथड से निकालेंगे। उस मेथड से भी हम लाइक फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस कर लिए हमने 2 by 3, और इसका डेनोमिनेटर क्या 5, तो हमने यहाँ दोनों 5 5 लिख दिए। 5 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 5 से ही डेनोमिनेटर को, और फिर इसका क्या आंसर आ गया 10 by 15, है ना? 2 5s are 10 एंड 3 by 3 into 5 15। एंड 4 by 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जो 2 by 3 का डेनोमिनेटर था, इस डेनोमिनेटर से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4 3 are 12 by 15। तो हमारे पास आया 10 by 15 एंड 12 by 15। अब आपको दिख रहा होगा कि 12 by 15 जो है वो ग्रेटर है, और जो ग्रेटर है तो उसका हम साइन उसकी साइड में ऐसा लगा देते हैं। तो हम लिखते हैं कि 10 by 15, और इसमें ये ग्रेटर है, और ये है आई किसके हैं, इनके 2 by 3, और 4 by 5 क्या है, यानी कि 4 by 5 का आया हमारे पास 12 by 15, तो 4 by 5 जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो हमें इनका बताना है। फिर हमने पहले लाइक फ्रैक्शन निकाली, लाइक फ्रैक्शन में से हमने ढूंढा कि कौन सा बड़ा है, फिर हमें एक्चुअल में जो हमारे हमें जो एक्चुअल फ्रैक्शंस दिए हैं उनमें हमें कंपेयर करके ग्रेटर फ्रैक्शन को मार्क करना है। इसके बाद है डी क्वेश्चन, 7 by 8 एंड 3 by 4। इसमें हमने क्या करना है, 7 by 8 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये आ गया 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, एंड 3 by 4 को हमने इस 8 by 8 से लेकर मल्टीप्लाई करना है। ये पता लगना चाहिए आपको कि मैंने 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके डेनोमिनेटर के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, और इनकी मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई इसके डेनोमिनेटर के साथ होगी, डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ आया 3 8 जा 24 एंड 4 8 जा 32, इसका मतलब है 28 by 32 इज ग्रेटर, है ना? दोनों की लाइक फ्रैक्शन होगी, ये 28 by 32 आया, ये 24 by 32 आया, तो 28 by 32 इज ग्रेटर, 28 by 32 इज ग्रेटर देन 24 32 से बड़ा है। सो तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे सो 28 by 32 इज ग्रेटर देन 24 by 32, और 7 by 8 इज ग्रेटर देन 3 by 4। तो हम इसका साइन 7 by 8 की तरफ लगाएंगे, क्योंकि 7 by 8 का हमारे पास 28 by 32 आया था। नेक्स्ट चलते हैं हम ई क्वेश्चन करेंगे, 6 by 10 एंड 4 by 5। 6 by 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 by 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 30, और 10 5 जा 50, और इनका मल्टीप्लाई करके आ गया 40 एंड 5 10 जा 50। तो यहाँ हमारे पास ये 30 by 50 आ गया, और ये 40 by 50 आ गया, तो हमारे पास 40 by 50 जो है वो बड़ा है। 40 by 50 किसका आया, 4 by 5 का। तो हम पहले लिखेंगे 30 by 50 इज लेसर, 40 by 50 इज ग्रेटर, और 6 by 10 इज लेसर, और 4 by 5 इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसे समझ में आ गया होगा। 5 by 20 एंड 9 by 16 जी क्वेश्चन है। 5 by 20 को हम 16 by 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 80 by 320, एंड 9 by 16 को हम 20 and 20 से 20 by 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 180 by 320। तो 180 by 320 इज ग्रेटर, सो 80 by 320 इज लेसर, एंड 180 by 320 इज ग्रेटर, सो द 5 by 20 इज लेसर एंड 9 by 16 इज ग्रेटर। तो इस तरह से आपके हमने 4 questions कर लिए, हमारा ए हो गया, बी हो गया, है ना? अब सी क्वेश्चन आपको खुद करना है, डी भी करना है, ई हो गया, एफ आपको करना है, जी हो गया, हमारे पास जी तक ही ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये अपने आप करने हैं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्मॉलर और ग्रेटर और
इज इक्वल का साइन लगा के आपको ये फिल करने हैं। ये तो और भी आसान है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस में तो हमें देखो डेनोमिनेटर सेम सेम दे रखा है, तो इसमें तो हमने जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ये वाले में किया था हमने लाइक फ्रैक्शंस नहीं बना के, तो उसमें तो वैसे ही बहुत सिंपल है। जैसे 7/9 है, 6/9 है, तो 7/9 ग्रेटर है, ठीक है। और 13/15 और 14/15 में से 14/15 ग्रेटर है, लेकिन ये जो आगे आ गया है ना 8/9 और 5/13, इसको या तो हम उसी लाइक फ्रैक्शंस वाले मेथड से ही करेंगे, जैसे कि हेलो हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको भरने हैं, लेकिन इसमें जहाँ डेनोमिनेटर सेम है वहाँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें वो न्यूमरेटर देखना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा है। लेकिन जहाँ डेनोमिनेटर्स अलग हैं वहाँ आप क्या करेंगे, आप लाइक फ्रैक्शंस की तरह मेथड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये है 8/9 आपके पास, सी क्वेश्चन करके बता रही हूँ मैं आपको, ये है 8/9 और 5/13। इसका कैसे पता लगेगा, क्योंकि दिन के डेनोमिनेटर्स तो अलग अलग हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 8/9 को हम ऐसे ही उसी मेथड से, ये जो इसका डेनोमिनेटर है 13/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 104/117, और फिर 5/13 को करेंगे 9/9 से मल्टीप्लाई, ताकि इनका डेनोमिनेटर सेम आ जाए, ठीक है। तो इसका आ गया 45/117, और इसका आया 104/117, तो 104/117 इज ग्रेटर, ये बड़ा है, तो ये किसका आया था, 8/9 का आया था, तो 8/9 जो है वो बड़ा है, उसकी तरफ हम ऐसे वाला साइन लगा देंगे। ये डी क्वेश्चन है 12/17 और 12/13। अब इसमें देखो न्यूमरेटर सेम है लेकिन डेनोमिनेटर अलग है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, 12/17 × 13/13 एंड 156/220 आ गया मल्टीप्लाई करके इनकी, और फिर 12/13 को हमने 17/17 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 204/221, तो 204/221 जो है वो बड़ा है, तो ये किसका है, 12/13 का है, तो 12/13 12/17 से बड़ा है, राइट। अब आगे है कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है, जे क्वेश्चन करवाया है, बीच के मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये आपको अपने आप करना है, इसी तरह के मेथड से करना है, ठीक है। 4/4 whole 1/2 और 8/2/3, पहले तो इनको सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 2 8, 8 and 1 9/2, और फिर ये आ जाएगा 8 3 24 और 2 26/3, ये तो आपको आता है ना करना। अब ये जो फ्रैक्शन चेंज होगी फिर वही मेथड लगाना है, 9/2 × 3/3 = 27/6 आ गया, और 26/3 को 2 × 2 करना है, 2/2 से इंटू करना है, और ये आया 52/6, ये 27/6 आया, ये 52/6 आया, तो 52/6 बड़ा है ना, तो इसका मतलब कि 26/3 बड़ा है, 26/3 किसका था, इसका था, तो हम ये हमारा ग्रेटर नंबर है, इसमें हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका के, 14/10 और फिर 1/4/10। अब ये वाला तो 14/10 ही है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको फ्रैक्शन में हम चेंज, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10 1 जा 10 एंड 4 14/10। वैसे तो सेम दिख ही रहा है कि 14/10 14/10 है, ये इज इक्वल है, दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी हम इस लंबे वाले मेथड से भी करके देख लेंगे, 14/10 × 10/10 = 140/10, और दूसरा नंबर है 14/10 = 10/10 कर दिया, इसका भी 140/10 आ गया, दोनों का 140/10 आ गया, तो इनका जब दोनों का सेम सेम आ गया तो हमारे पास आंसर भी यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एल क्वेश्चन, ये है 2/3/8 एंड 2/5/7, पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 3 19/8 और 7 2 जो 14 एंड 5 14
टू सेवन जा 14, सॉरी ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 2 7 जा 14 एंड 5 19 आना था, यहाँ पे 19/7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 19/8 है और ये यहाँ 19/7 है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा यहाँ हमारे पास ये 19/7 आएगा, यहाँ हमने 14/7 लिख दिया था, ये गलत हो गया था। तो ये 19/8 इंटू 7/7 इंटू कर दिया, ये आया 133/56। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 19/7 इंटू 8/8, इनसे मल्टीप्लाई करके अब हमारा 152/56 आ गया। मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ कम नंबर आया था हमारे पास, तो अब हमारे पास ये वाला नंबर जो है 152 जो है वो बड़ा है, 133 छोटा है, तो हमारे पास ये वाला नंबर अब बड़ा है, तो हम इधर साइन लगाएंगे। ठीक है, 19/7 जो है वो ग्रेटर है, यानी 2 होल 5/7 इज ग्रेटर, ये वाले साइन आएंगे। अभी मैंने करेक्शन की है और ध्यान से लगाना। ठीक है, और बस ये इतने ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अब आपके बीच के जो क्वेश्चंस रह गए वो आप करेंगे। कौन सा रह गया आपका, 1 2 आपका ए भी कॉपी में ही हो, बुक में हो गया, सी आपको करवा दिया, डी आपको करवा दिया। ठीक है, ई एफ जी एच है ना, ई एफ जी एच और आई हो गया आपका, ये आई भी नहीं हुआ, जी एच आई भी नहीं हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।